माथेरानची जीवनवाहिनी असलेल्या मिनी ट्रेनला मनाच्या युनेस्को या जगातील सांस्कृतिक ठेवा ह्या करिता नामांकन मिळाले आहे। त्या दृष्टीने त्यांनी काही अटी आणि शर्ती ठेवलेल्या आहेत। त्यानुसार माथेरान नगरपालिका आणि रेल्वे प्रशासन यांनी संयुक्तपणे माथेरानची संस्कृती येथील हेरिटेज वारसा असलेली स्थळे आणि रेल्वेचा 100 वर्षांहून अधिकचा प्रवास या सर्व गोष्टीचा अहवाल युनेस्को ला द्यायचा आहे। त्यानुसार आज या मोहिमेस प्रारंभ झालाय। यावेळी माथेरानमध्ये अनेक वर्षांनंतर कोळशावर धावणारे इंजिन पाहायला मिळाले। त्याबरोबरच फोटो काढण्यासाठी पर्यटकांमध्ये उत्साह दिसून येत होता। या कार्यक्रमामध्ये आज माथेरान स्थानकांमध्ये नगरपालिका, रेल्वे प्रशासन आणि वन विभाग अलिबाग यांचे स्टॉल उभारण्यात आले आहेत। त्यातून सध्या माथेरानमध्ये सुरू असलेल्या अनेक विविध पर्यावरणपूरक प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली आहे। तर ह्या ठिकाणी कार्यक्रमास उपस्थित असलेल्या प्रमुख पाहुणे दादोभोय अप्पर महाप्रबंधक मध्य रेल्वे यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले आणि येथे भरलेल्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले। यावेळी एक छोटेखानी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। त्यास रेल्वेचे दादोभोय अप्पर महाप्रबंधक मध्य रेल्वे गुप्ता प्रधान यांच्या मुख्य यांत्रिक अभियंता श्री शलभ गोयल, मंडल रेल प्रबंधक मुंबई ADRM श्री विशाल नाथ, माथेरानच्या नगराध्यक्षा सौ प्रेरणा सावंत, कृषीतज्ञ श्री हरिभाऊ भडसावळे आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते। हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने श्री शिवाजी कदम, माथेरान स्टेशन मास्टर श्री मीना आणि माथेरान नगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी विशेष मेहनत घेतली आहे। हुसैन आदमजी पीरभॉय, सर आदमजी पीरभॉय की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे सब भाई बहन सब खड़े हुए हैं और हम लोग सब लोग यहाँ पर आए थे रेलवे का जो फंक्शन है और जो हमारी मेरे दादा सर आदमजी पीरभॉय की बनाई हुई जो ट्रेन है, इंजन है माथेरान लाइट रेलवे, उसको आज यूनेस्को ग्रीस मेलिना मर्क्यूरी इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है। और ये प्राइज अगर मेरी मिस्टेक नहीं है तो अखे हिंदुस्तान में एक साल में एक ही प्रॉपर्टी को मिलता है, जिसके लिए 2021 में माथेरान की ट्रेन को मिला है, माथेरान लाइट रेलवे को मिला है। मगर सबसे दुख की बात यह कि इतना बड़ा प्रोग्राम किया इन्होंने और मेरे दादा का कहीं भी नाम नहीं है, न सर आदमजी पीरभॉय का नाम है, न उनके बेटे अब्दुल हुसैन आदमजी पीरभॉय का नाम है और कहीं भी उनका नाम नहीं है, कहीं उनको ऑनर नहीं किया, किधर भी नहीं किया। हम लोगों को ये प्रोग्राम में आने के लिए टाइम एंड अगेन हम लोग 10 दिन से कम 8 से 10 लेटर लिखे GM को कि हमको इन्विटेशन दो, हमको इन्विटेशन दो। उसके बाद हमको एक इन्विटेशन मिला है, वो भी वर्बल टेलीफोन के ऊपर हमको मिस्टर शिवाजी कदम की तरफ से लेटर फ़ोन आया कि आप लोग को इनवाइट किया, आप लोग आ जाना। मिस्टर शिवाजी कदम को मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि हमारे बैठने का एक अच्छा इंतज़ाम हुए कि जहाँ पर हमारी फैमिली आके बैठती तो हमको लगे हमारे को ऑनर मिला है, हमको इज्जत मिली है। मिस्टर शिवाजी कदम की तरफ से सिंपल जवाब था कि वहाँ पर सब प्लास्टिक की कुर्सी, आप उस पर आके बैठ जाना। मैं बोला हम लोग प्लास्टिक पर बैठने को तैयार है, वो बोले XYZ आदमी आएंगे, सब पब्लिक ओपन होगी, आप आके बैठ जाना। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि लास्ट टाइम जब रथुआ साहब आए थे 2007 में तो हमारे लिए पूरा चेयर का अरेंजमेंट किया था, एक रो का अरेंजमेंट किया था, उस पर लिखा होता रिजर्व फॉर पीरभॉय फैमिली, इस टाइप का ही सेट मेम्बर्स। ऐसा कोई काम करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सब PT काम है और इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हम लोगों ने उनको लेटर भी लिखा इस बारे में, सब कुछ किया, लेकिन हमारे को कोई जात का मान नहीं, सम्मान नहीं, कुछ नहीं। इंडियन रेलवेज ने जो प्रोग्राम किया है, आज जो उनको ऑनर मिला है यूनेस्को की तरफ से, ना मिस्टर शिवाजी कदम को मिला है, ना पीयूष गोयल साहब को मिला है, ना इंडियन रेलवे को मिला है और ना GM साहब को मिला है। ये प्राइस जो मिला और ये ऑनर जो मिला, ये इज्जत मिली है सिर्फ और सिर्फ माथेरान रेलवे को मिली है। और माथेरान रेलवे को अगर ये इज्जत मिलती है और माथेरान रेलवे जिन्होंने बनाया उनके बच्चों को आप इज्जत नहीं दे सकते हो, तो इंडियन रेलवेज के ऊपर शेम है ये, और हम लोग को बहुत बुरा लगा। और यहाँ पर आने के बाद में इंडियन रेलवेज ने हमारे को एकदम सेट असाइड कर दिया। आप देख सकते हैं हम लोग कोई प्रोग्राम में नहीं है, आपको स्लो आवाज आ रही है जिसमें वो लोग पीछे कर रहे हैं, लेकिन हमारे को कहीं पर बुलानी है, हम लोग को बहुत बुरा। मिलिंद कदम, ZOOM ON News, माथेरान।